तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे लऊक सपिस्तान खयार शंबरी के बारे में। अब इस मेडिसिन के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कैसे लेना है, क्या प्राइस है, ये सारी जानकारियाँ जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो देखिए, इसको जो है ना बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, जैसे कि हमदर्द हो गई, रैक्स हो गई, समा हो गई। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हो। तो इधर अगर मैं हमदर्द के बारे में बताऊं तो ये 65 रुपये में आपको 150 ग्राम पाउडर मिल जाता है। तो प्राइस समय के अनुसार जो है बढ़ती रहती है। तो जो आज की प्राइस है वो इधर मैंने आपको बताया है। अब भाई इसको ख़रीदना कहाँ से है, तो ये जो है एक यूनानी दवाई है। तो जो भी यूनानी दवाइयाँ रखते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, वहाँ से खरीद सकते हो, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, वो भी डिस्काउंट के साथ। तो ऑनलाइन खरीदना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। अब ये जो मेडिसिन है ना, एक वेजिटेरियन मेडिसिन है, मतलब सभी लोग इसको ले सकते हैं। अब कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो क्या क्या है, तो देखिए मेन इसमें सपिस्तान होता है, फिर उन्नब है, फिर वनफसा है, फिर तुखमे एक खातमी है, मगज़े अमलतास है, सना मक्की है, सीर खस्त है, खमीरा वनफसा है। तो इस प्रकार से इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आप खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो भाई इधर फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला, ये कोई भी समस्या है तो एक बार इसको ज़रूर लेकर देखें। बहुत ही असरदार ये जो है एक यूनानी दवाई है। जैसे कि आपको सर्दी खांसी होती है, साथ में गला ख़राब होता है, या फिर गले में कोई इन्फेक्शन है, गले में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, या कोई भी अपर रेस्पिरेटरी आपको प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसमें आप इसको एक बार ज़रूर लेकर देखिए, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जैसे गले में खराश होना, आपके छाती में कंजेशन होना, चेस्ट में कंजेशन होना, आपको कफ जम जाना, तो उसमें बहुत फ़ायदा करती है ये मेडिसिन। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो, काली खांसी हो, उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है, या फिर कोई एलर्जी वगैरह होती है तो उसमें भी ये लऊक सपिस्तान खयार शंबरी फ़ायदा करता है। तो भाई ये इसके मेन फ़ायदे थे। सर्दी खांसी जुकाम में एक बार ज़रूर लेकर देखें, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो डोज के बारे में हम बात कर लेते हैं, कैसे इसको लेना होता है। तो देखिए 10 ग्राम आपको सुबह लेना है, 10 ग्राम आपको शाम को लेना है, मतलब एक दिन में इसको 2 बार लेना है। और इसको देखिए हल्के गुनगुने पानी के साथ लीजिए, उसके साथ लोगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन हल्के गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छा और जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इधर जो है इसको तुरंत जो है घोल कर तुरंत पी लेना है। इस प्रकार से लेना होता है। 200 ml पानी के आसपास इसको लेकर मतलब उसमें डालकर इसको आपको लेना होता है। अब इधर देखिए मेल फीमेल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं ले सकते, बड़े बच्चे ले सकते हैं। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को, या फिर डॉक्टर सलाह करें। बाकी प्रेगनेंसी में भी इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना होता है। अब बात आती है कि भाई इसको कब तक लेना होता है, तो ये डिपेंड करेगा आपकी बीमारी पर, आपकी प्रॉब्लम पर। तो आप इसको 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने भी ले सकते हो, उधर कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपको इसका अच्छा फ़ायदा नहीं मिल जाता है तब तक ले सकते हो। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो कुछ भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको मेडिसिन सूट नहीं करती है तो आप इसको लेना बंद कर दें, इधर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए जो है आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अब भाई बात आती है इधर कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ ले सकते हैं या नहीं, तो देखिए बिल्कुल ले सकते हो। कोई भी मेडिसिन अगर आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वह एलोपैथिक में हो, होम्योपैथिक में हो, या फिर आयुर्वेदिक में हो, सभी के साथ इसको ले सकते हो। अब फ़ायदा कब तक देखने को मिल जाएगा, तो देखिए 4 से 5 दिन आप इसको लेते हो ना तो आपको इसका फ़ायदा या फिर जो मैं बोलूँ रिजल्ट होता है ना वो दिखने लगेगा। वो देखिए जो फ़ायदा जो रिजल्ट होता है ना वो हर किसी पर अलग अलग आता है, सभी को एक जैसा फ़ायदा इधर पर नहीं मिलता है। अब इधर मैं कुछ एडवाइस दूंगा अगर आप ये लऊक सपिस्तान खयार शंबरी लेते हो तो, जो कि आपको फॉलो करना है। जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा, ऑयली, बाहर का खाना पीना, मैदे से बनी चीज़ें, गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू, ये सब आपको बंद करना है अगर आपको इसका अच्छा फ़ायदा चाहिए तो। इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट लेना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, और आपको देखिए एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है। एक्सरसाइज के अलावा आप योगा वगैरह करिए। तो ये मेरी आप अगर एडवाइस फॉलो करोगे और साथ में इसको लोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड, जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज 4 केयर।